सब्सक्राइब कर लो कैप्टन टट्स चैनल को और दबाओ इस घंटी के आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम लेक्टिकल एंड यू आर वाचिंग कैप्टन टट्स। सो दोस्तों, ब्लॉगिंग की एक और क्लास के अंदर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोग फेसबुक का लाइट बॉक्स लगा सकते हैं और इमेजेस को एसईओ ऑप्टिमाइज वगैरह की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। So, आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि डिसेबल टेक्स्ट सिलेक्शन, ये क्यों जरूरी है और क्यों करनी है और ये कैसे करते हैं, इस लेक्चर के ऊपर हम आज बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप बहुत ही यूनिक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। बाज़ात अगर आप न्यूज़ वगैरह की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि उर्दू ब्लॉग्स होते हैं न्यूज़ के, और उसके अलावा अगर ख़ास तौर पे आप किसी बात करते हैं, मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक बड़ी वेबसाइट है उर्दू पोइट्री, अगर मैं सर्च करूं तो राजेश पोइट्री या इस तरह के नाम से कुछ वेबसाइट आती है, ये देखिए रंजीश शैरी, ये बंदा कहता है कि आप मेरी पोइट्री को शेयर करो, कॉपी नहीं करने देता ये बंदा आपको ना। शो खर सॉरी, इसने आजकल तो उतारा हुआ है, मगर आप वाजगत किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करना, ऐसे टेक्स्ट सेलेक्ट करना मना होता है। मीन्स आप वहां से टेक्स्ट सेलेक्ट करके कॉपी नहीं कर पाते, मीन्स आप वहां से डाटा कॉपी नहीं कर पाते। एक आपको बात बताऊं, अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पे काम कर रहे हैं ना जो कि बहुत ही यूनिक है और आप चाहते हैं कि उसमें शेयरिंग होनी चाहिए, मीन्स वो टॉपिक फॉर एग्जांपल अगर आप पोएट्री वगैरह पे काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि लोग शेयर करें ना कि कॉपी करें, तो हमें ये टेक्स्ट सिलेक्शन बंद करनी होगी। क्यों? ताकि वो टेक्स्ट सेलेक्ट ही नहीं होगा जब, तो जारी बात है फिर उसे वो पोस्ट पूरी की पूरी वो शेयर ही करेगा अपने फ्रेंड के साथ, जब वो शेयर करेगा तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जारी बात है जैसे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है शेयर के, तो इस तरह आपके पास शेयर के और भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारी इस वेबसाइट पे आप व्हाट्सएप तक के शेयरिंग के ऑप्शंस, इसमें आपके पास बिल्ट इन बिटगेट बना हुआ है, हर जगह पे शेयर हो जाती है। तो आप अगर ऐसे टॉपिक पे काम करें तो आप टेक्स्ट सेलेक्ट बंद करना चाहते हैं, या फिर आप कॉपीराइट की वजह से आप चाहते हैं कि मेरा भाई टेक्स्ट कोई कॉपी कर ही ना सके, मैंने भाई देने ही किसी को नहीं है, मीन्स मैं चाहता हूँ मेरा आर्टिकल को उठा ही ना, तो हमें ये बंद करना होगा। तो ये बंद करने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत होगी? एक आपको कोड, एक स्क्रिप्ट की जरूरत होगी, जावास्क्रिप्ट कोड की, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप वेबसाइट मेरी पे देख रहे हैं कोर्स, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये होगा आपके पास डिसेबल टेक्स्ट सिलेक्शन। आपने ये कोड जो है इसे कॉपी करना है सारे को, ठीक है, ठीक हो गया। ये कोड आपने कॉपी करना है यहां से, कंट्रोल सी से सिंपल कोड कॉपी करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहां पे अपने ब्लॉगर है जिस ब्लॉग पे आप लगाना चाहते हैं वहां पे लेआउट में जाना है, ठीक है। लेआउट में जाने के बाद आप कहीं पे भी HTML का ये स्क्रिप्ट जो है वो ऐड करेंगे, HTML जावा का यहाँ से कोड, जैसे कि मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद कोड को करेंगे पेस्ट और उसके बाद कर देंगे सेव। जब आप इसे करके सेव अरेंजमेंट्स करेंगे, तो अगर आप देखें तो अभी तक तो हमने इसे सेलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, मगर अगर मैं इस पेज को अब रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जितने मर्जी डबल क्लिक करूँ या चौहे कुछ भी, मेरा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि मेरा टेक्स्ट सिक्योर हो चुका है। तो इस तरह आप अपने ब्लॉग को कॉपीराइट आने से या कॉपीराइट कंटेंट कॉपी होने से बचा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।